जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि 24 सितंबर को एक साथ 9 वंदे भारत का इनॉग्रेशन होने वाला है और ये सभी 9 वंदे भारत ट्रेनें कौन से स्टेशन से इनॉग्रेट होगी। जैसे कि हमारी पुरी राउरकेला वंदे भारत ट्रेन है, इसका इनॉग्रेशन पुरी से होगा या फिर राउरकेला से, ऐसी सभी जानकारियां मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और खासकर रेलवे से जुड़े हुए जितने भी हमारे क्रिएटर हैं और जो लोग इसका इनॉग्रल कवरेज करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत ट्रेन की। तो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन तिरुनेलवेली जंक्शन से होगा और ये 24 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे तिरुनेलवेली से चेन्नई के लिए खुलेगी। और इनॉग्रेशन के दिन ये ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है और इसका जो शेड्यूल है वो कैसा रहने वाला है वो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इन सब स्टेशनों का नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि साउथ वाले स्टेशन का नाम पढ़ने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की, मतलब काचेगुड़ा और यशवंतपुर के बीच में जो वंदे भारत का इनॉग्रेशन होने वाला है। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन कहां से होगा? तो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन काचेगुड़ा स्टेशन से होगा और दोपहर 12:30 बजे ये ट्रेन यशवंतपुर के लिए खुलेगी। इसके इनॉग्रेशन टाइम शेड्यूल की बात कर लें तो दोपहर 12:30 बजे ये काचेगुड़ा से खुलेगी, दोपहर 1:15 पर सदानगर, दोपहर 1:58 पर महबूब नगर, दोपहर 3:30 पर गढ़वाल, शाम 4:15 पर कर्नूल सिटी, शाम 5:35 पर धोने, शाम 7:25 पर अनंतपुर और रात 8:05 पर धर्मावरम, रात 9:18 पर हिंदूपुर और करीब रात में 11:45 पर ये ट्रेन यशवंतपुर पहुंचेगी। और मैं आपको बिल्कुल क्लियरली यहां पर बता दूं कि ये जितने भी हॉल्ट हैं वो इनॉग्रेशन हॉल्ट हैं। कमर्शियल रन में इन सभी ट्रेनों का इतने ज्यादा हॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो जल्द लेके आऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जामनगर और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की। तो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन जामनगर से होगा और दोपहर 12:30 बजे ये जामनगर से खुलेगी, दोपहर 1:40 पर राजकोट, दोपहर 2:22 पर वांकानेर, दोपहर 2:49 पर थान, 3:51 पर सुरेंद्र नगर, शाम 4:48 पर बीरमगाम, शाम 5:50 पर साबरमती और शाम 6:30 पर ये ट्रेन अहमदाबाद पहुंचेगी। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन की। तो इसका इनॉग्रेशन उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से होगा और दोपहर 12:30 बजे उदयपुर सिटी से खुलेगी, दोपहर 12:37 पर राणा प्रताप नागा, दोपहर 1:09 पर मावली जंक्शन, दोपहर 2:03 पर चंदेरिया, दोपहर 2:56 पर भिलवाड़ा, 3:41 पर विजयन नगर, शाम 4:18 पर नासिराबाद, शाम 4:55 पर अजमेर, शाम 5:40 पर किशनगढ़, शाम 6:12 पर नारायणा, शाम 6:24 पर फुलेरा जंक्शन, शाम 6:48 पर असलपुर जोबनेर और शाम 7:30 पर ये ट्रेन फाइनली जयपुर पहुंच जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कासरगोड और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की। तो इसका इनॉग्रेशन कासरगोड से होगा, दोपहर 12:30 बजे कासरगोड से खुलेगी और दोपहर 1:13 पर पायनूर, दोपहर 1:48 पर कन्नूर, दोपहर 2:13 पर थालासेरी, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो, दोपहर 3:08 पर कोझिकोड मेन, 3:48 पर थिरूर, 4:30 पर सोरानूर जंक्शन, शाम 5:05 पर थ्रिसूर, शाम 6:13 पर एर्नाकुलम जंक्शन, रात में 8:05 पर अल्ला पूजा, रात में 9:02 पर कायमकुलम जंक्शन, रात में 9:50 पर कोल्लम जंक्शन और रात में करीब 11:00 बजे ये ट्रेन फाइनली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंच जाएगी। और सबसे दोस्तों खास बात ये है कि ये हमारी सैफ्रॉन वंदे भारत ट्रेन होगी जो कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क में पहली बार लॉन्च होगी। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पुरी और राउरकेला के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन का इनॉग्रेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से होगा और दोपहर 12:30 बजे ये ट्रेन भुवनेश्वर से खुलेगी, 12:59 पर कटक, 1:45 पर ढेकनाल, दोपहर 2:09 पर मेरा मंडली, दोपहर 2:25 पर तेलचर रोड, 2:35 पर अंगूल, 3:41 पर रैरा खोल, शाम 4:35 पर संभलपुर सिटी, शाम 5:20 पर झारसुगुड़ा जंक्शन, शाम 6:40 पर राजगंगपुर और करीब शाम में 7:20 पर ये ट्रेन राउरकेला पहुंच जाएगी। कमर्शियल रन में ये ट्रेन पुरी से राउरकेला के बीच में चलेगी लेकिन इनॉग्रल रन के दिन ये ट्रेन भुवनेश्वर से ओरिजिनेट होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की, जो कि इन सभी वंदे भारत में ही सबसे ज्यादा पॉपुलर वंदे भारत रही है और इसकी चर्चा चारों तरफ अभी हो रही है। तो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन पटना जंक्शन से दोपहर 12:30 बजे होगा और इसको 24 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। पटना जंक्शन से ये दोपहर 12:30 बजे खुलेगी और 12:42 पर पटना साहिब, दोपहर 1:12 पर बाढ़, 1:25 पर मोकामा, दोपहर 1:51 पर लखीसराय, दोपहर 2:08 पर जमुई
रांची 3:18 पर जसीडी, 3:45 पर मधुपुर, शाम में 4:12 पर जामतारा, शाम में 4:34 पर सीतारामपुर, शाम में 4:46 पर आसनसोल जंक्शन, शाम में 4:54 पर रानीगंज, शाम में 5:01 पर अंडाल जंक्शन, शाम में 5:13 पर दुर्गापुर, शाम 5:25 पर पानागढ़, शाम 5:52 पर बर्धमान, शाम 6:39 पर कामार कुंडू और शाम में 7:50 पर ये ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। और ये इसके इनॉग्रल रन में स्टॉप होंगे, कमर्शियल रन में इस ट्रेन का इतना ज्यादा स्टॉप नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रांची और हावड़ा के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की, तो इसका भी इनॉग्रेशन रांची जंक्शन से 12:30 होगा। और ये ट्रेन इनॉग्रल जर्नी में 1:39 पर मुरी जंक्शन, 2:10 पर कोटशिला, शाम 4:23 पर पुरुलिया, शाम 4:00 बाराभूम, शाम 5:30 पर टाटानगर, शाम 6:19 पर घाटशिला, शाम 7:04 पर झारसुग्राम और रात में 8:00 खड़गपुर जंक्शन हॉल्ट लेते हुए रात में करीब 10:00 ये ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की, तो इस ट्रेन का इनॉग्रेशन विजयवाड़ा जंक्शन से होगा। और ये ट्रेन 12:30 विजयवाड़ा से खुलेगी और करीब 1:00 तेनाली, 1:41 पर बापतला, 2:02 चैराला, 2:41 पर ओंगले, 3:04 पर सिंगियारा कोडला अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो, 3:34 पर कवाली, 3:55 पर बितरा गुंटला, शाम 4:31 पर नेल्लोर, शाम 5:30 पर गुदूर, शाम 6:22 पर श्री काला हस्ती, शाम 7:15 पर रानी गुंटा जंक्शन, रात में 8:38 पर अर्रा कोनम जंक्शन, रात में 9:03 पर तिरुवलूर, 9:25 पर आबादी, 9:50 पर पेराम्बूर और करीब रात में 10:20 पर ये ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये थे सभी 9 वंदे भारत ट्रेनें जिनका इनॉग्रेशन 24 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। और मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया कि इन सभी का इनॉग्रेशन कौन से स्टेशन से होने वाला है, तो अगर आपको इसका जर्नी कवरेज करने जाना है तो आप जा सकते हो। हालांकि दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि रेलवे की तरफ से कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से इन सभी 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी ट्रेनों को इनॉग्रेट कर रहे हैं। और इन सभी ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन को हमारे प्रधानमंत्री फिजिकली फ्लैग ऑफ नहीं करेंगे। और ऐसे में दोस्तों इंडियन रेलवे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए काम कर रही है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में मैक्सिमम 5 वंदे भारत का इनॉग्रेशन एक साथ हुआ है, लेकिन इंडियन रेलवे अपने इस रिकॉर्ड को एक बार फिर 24 सितंबर को तोड़ने जा रही है और एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन को उतार कर अब तक की सबसे ज्यादा वंदे भारत को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड इंडियन रेलवे फिर से क्रिएट कर देगी। बाकी दोस्तों ये सभी ट्रेनें कमर्शियल रन में कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है और इनके फेयर से रिलेटेड जानकारियां मैं आप सभी के सामने बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। और आप अगर रेलवे से जुड़े हुए एक डिजिटल क्रिएटर हैं तो आप ये सभी 9 वंदे भारत ट्रेनों में कौन से वंदे भारत के इनॉग्रल जर्नी कवर करने जा रहे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।